हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारा जो फार्मासिस्ट का एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसकी सीरीज चली हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हमने चार पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा पार्ट फोर है जिसमें लगभग आपके 36 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसीजर क्या होता है जिसमें हम सीविंग भी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की और क्लासिफाइंग भी कर सकते हैं। तो वो होता है आपका साइज सेपरेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, ये साइज सेपरेशन जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित लगभग 36 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज प्रेजेंट इन गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफाइड वेट। तो इसमें आता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जब पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी जो रेंज होती है प्रेजेंट और उसका वेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रो ए सीव नंबर 10, ठीक है बच्चों। जो सीव, अगर आपने पढ़ा होगा, सीविंग भी की भी नंबरिंग होती है, ठीक है, 60 वाली होती है नंबर वाली, 60 वाली होती है, 80 वाली होती है, 100, 120 वाली भी होती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, फाइन पाउडर कलेक्ट करते हैं। तो 10 नंबर वाली से कौन सा पाउडर होगा, कोर्स पाउडर, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स निकलेंगे जो आपका पाउडर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर पास बाय ए सीव नंबर 10 हैविंग द नॉमिनल मास एपरेचर ऑफ, तो इसमें आता है आपका 1700 माइक्रोन। नेक्स्ट है आपका, द पार्टिकल्स ओ पास थ्रू ए सीव नंबर 22, तो इसमें आता है आपका मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ठीक है बच्चों। जो आपका 22 नंबर की जो सीव, मतलब छलनी होगी, ठीक है, उसमें आपके मध्यम वर्ग के जो पाउडर के जो कोर्स पार्टिकल होंगे वो पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मॉडरेटली कोर्स पाउडर पास थ्रू ए सीव नंबर 22 हैविंग द नॉमिनल मास एपरेचर ऑफ, तो उसका मैस एपरेचर कितना होगा बच्चों, 710 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सीव नंबर ऑफ 44 हैविंग द नॉमिनल मैस एपरेचर ऑफ 355 माइक्रोन मीटर, तो उसमें कौन से पाउडर होंगे बच्चों पास, मॉडरेटली फाइन पाउडर होगा। नेक्स्ट है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सीव नंबर 8 हैविंग द नॉमिनल मैस एपरेचर ऑफ 180 माइक्रोन मीटर, तो इसमें 8 नंबर वाले में कौन सा होगा बच्चों, आपका फाइन पाउडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रो ए सीव नंबर ऑफ 120 हैविंग द नॉमिनल मास एपरेचर ऑफ 125 माइक्रोन मीटर, तो इसमें क्या होगा, 120 वाले में बच्चों बहुत अच्छा पाउडर निकलेगा आपका बिल्कुल, ठीक है, जैसे आपका मैदा होता है आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा पाउडर इसमें से पास होगा जो आपकी 120 नंबर वाली सीव होगी। नेक्स्ट है आपका, इन पाउडर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट लेस देन 90% एंड इज लेस देन 10 माइक्रोन मीटर इन साइज, तो इसमें आता है आपका सुपर फाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर नॉट लेस देन 90% बाय वेट मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 350 हैविंग द नॉमिनल मास एपरेचर ऑफ 45 माइक्रोन मीटर, तो इसमें आता है बच्चों आपका माइक्रोफाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स कैन बी अचीव बाय पासिंग द पाउडर थ्रू ए सीव इज नोन एज, तो इसमें आता है आपका हैंड सीविंग, ठीक है बच्चों। जो हाथ वाली छलनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड सीविंग बोलते हैं, जिसमें हम साइज सेपरेशन करते हैं पार्टिकल साइज का। चलिए नेक्स्ट है आपका, सीव्स आर यूज फॉर पाउडर हैविंग लार्ज पार्टिकल्स, तो इसमें आता है आपका मेटल, ठीक है। तो मेटल की सीव हम यूज करते हैं बच्चों लार्ज पार्टिकल जो पाउडर होता है उसके लिए। नेक्स्ट आपका, मेथड इज आल्सो नोन एज सीकिंग मेथड, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। हर एक वीडियो में मैंने आपके लिए एक दो क्वेश्चन रखा हुआ है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए सेकिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ एट द बॉटम ऑफ विच ए सीव इज अटैच, तो इसमें आता है आपका मेटल फ्रेम, मेटल फ्रेम का बना होगा बच्चे वो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेकिंग करते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट आपका, इन मेथड मैस इज वाइब्रेटेड एट ए हाई स्पीड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, तो इसमें आता है आपका वाइब्रेशन मेथड होता है बच्चों, जिसमें आपका जो पाउडर है वो वाइब्रेट होंगे,
इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग एजिटेशन बाय एसिनेटरिंग मैकेनिज्म। तो इसमें आता है आपका रोटेक्स स्क्रीन वर्क करती है, ठीक है बच्चों। जो रोटेक्स स्क्रीन होती है उसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है किसके ऊपर, एजिटेशन के और ओसिलेशन के। नेक्स्ट है आपका द स्क्रीन क्लॉथ ऑफ शेकिंग स्क्रीन इज आइदर फिक्स डायरेक्टली और इज फिटेड विद ए रिमूवेबल। तो इसमें आता है आपका बोल्टेड फ्रेम, बोल्टेड फ्रेम होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मेथड द शीट्स आर अरेंज सच दैट द कोरेस्ट वन इज ऑन टॉप एंड द फाइनेस्ट वन इज एट द बॉटम। तो इसमें आता है आपका रोटर शेप सीव शेकर। चलिए नेक्स्ट है आपका गायरेटरी मेथड इज नोन एज। तो गायरेटरी मेथड क्या कहलाता है, रोटेप सीव शेकर कहलाता है बच्चों। इसको हम रोटेप जो सीव शेकर होता है उसको गायरेटरी मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द कंटिन्यूस ऑपरेशन। तो इसमें आता है आपका गायरेटरी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ओसिलेशन मेथड द फ्रेम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें आता है आपका बच्चों हैंगर रोड्स, ठीक है। जो आपका ओसिलेशन मेथड होता है उसको जो फ्रेम होता है सस्पेंड किया जाता है किसकी हेल्प से किया जाता है, हैंगर रोड्स की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट है आपका आर प्लेस एट डिफरेंट इंटरवल्स बिटवीन द स्क्रीन इन रोटेक्स स्क्रीन। तो इसमें आता है आपका वुडन ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग फाइन सेपरेशन इन मैनी केमिकल्स एंड प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसमें आता है आपका बच्चों रोटेक्स स्क्रीन के द्वारा होता है आपका ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की जो हैंडलिंग की जाती है उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड लेस डीरेस्ट्रेशन देन द वायर मैश सीव। तो इसमें आता है आपका परफोरेटेड प्लेट। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सेपरेटिंग ग्रेनुलर मैट्रिक्स एंड पाउडर्ड फूड्स। तो इसमें आता है आपका रोटेक्स स्क्रीन, ठीक है। और रोटेक्स स्क्रीन का यूज किया जाता है बच्चों सेपरेटिंग करने के लिए जो ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो आपका पाउडर फूड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी एंड इफेक्ट द हेल्पफुल इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर फ्रॉम फ्लूइड। तो इसमें आता है आपका रोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इज मेथड यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर गैस और वाटर स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ वोर्टेक्स रेदर देन फिल्टर्स। तो इसमें आता है आपका साइक्लोनिक सेपरेशन, ठीक है। साइक्लोनिक सेपरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं जो पर्टिकुलेट मैटर होता है एयर का गैस का और वाटर का उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका साइक्लोन सेपरेटर इज टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, एक प्रकार का सेडिमेंटेशन टेक्निक होती है बच्चों, और इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें आपका आता है टेंजिनेटियल इनलेट, जो इनलेट लगी होती है बच्चों, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है साइक्लोन सेपरेटर का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल इनलेट। नेक्स्ट है आपका इन साइक्लोन सेपरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वेसल्स हेल्प इन रिमूविंग द फ्लूड। तो इसमें आता है आपका फ्लूड आउटलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद द प्रिफरेंस फॉर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस एयर। तो इसमें आता है आपका साइक्लोन सेपरेटर यूज किया जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका इज यूज फॉर सेपरेटिंग द हैवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। तो इसमें आता है आपका साइक्लोन सेपरेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यू टू ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई। तो इसमें क्या हो जाता है, उसका प्रेशर हाई हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोन सेपरेटर कैन नॉट बी यूज फॉर। तो किसके लिए यूज नहीं कर सकते हम, तो इसमें आता है आपका स्टिकी मटेरियल, जो स्टिकी प्रकार का मटेरियल होगा उसके लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज नहीं किया जाता। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वीडियो का। चलिए साइक्लोन सेपरेटर इज ए टाइप ऑफ टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर एक प्रकार का सेडिमेंटेशन मेथड होता है बच्चों, या सेडिमेंटेशन टेक्निक होती है जिसका प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लेक्चर था बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों की कमेंट भी आ रही है। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर कर सकता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी
मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।